प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 7.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जो है वो समझना होगा। मान लीजिए हमारे पास ABC एक त्रिभुज है, A के निर्देशांक x1 y1 है, B के निर्देशांक x2 y2 है तथा C के निर्देशांक x3 y3 है। तो इन निर्देशांकों के रूप में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक सूत्र जो है वो याद रखना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इस फार्मूले को याद रखने की तकनीक बताता हूँ आपको कि 1/2 x y माइनस y लिखें, फिर ये चीज़ 3 बार रिपीट कर दें। अब इसके बाद x1, 2, 3। अब एक संख्या याद रखें, 23, 31, 12, 23, 31, 12। तो इस तरीके से ये सूत्र आप याद रख सकते हैं, 23, 31, 12 याद रखें। x1, x2, x3, 23 का मतलब y2 माइनस y3, 31 मतलब y3 माइनस y1 और 12 का मतलब y1 माइनस y2। इसे हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के इस सूत्र का एक रूप और भी है जो कुछ इस तरह से है कि 1/2 और यहाँ पर x1 y1, x2 y2, x3 y3 और फिर ऊपर वाला रिपीट x1 y1। तो देखिए 1/2 x1 की y2 के साथ गुणा x1 y2, ऊपर से नीचे आते हैं तो पॉजिटिव, फिर नीचे से ऊपर जाते हैं तो नेगेटिव, x2 y1 माइनस x2 y1, फिर ऊपर से नीचे आए तो प्लस x2 y3, फिर नीचे से ऊपर गए तो माइनस माइनस x3 y2, फिर ऊपर से नीचे आए तो पॉजिटिव x3 y1 माइनस x1 y3। अब वास्तव में देखिए कि ये सूत्र और ये सूत्र एक ही है कि जैसे इसके अंदर गुणा करेंगे तो x1 y2, ये x1 y2 आ गया और फिर माइनस x1 y3 माइनस x1 y3, इस तरह से ये सारे पद इसके अंदर मिलेंगे गुणा करने के बाद। तो क्योंकि अगर हम इस तरह से सूत्र अप्लाई करते हैं किसी भी सवाल में तो इसमें गलती होने के चांस कम है, इसलिए मैं ये वाला जो रूप है इस सूत्र का ये यूज़ करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के लिए मैं यही तरीका इस्तेमाल करूँगा। तो आगे प्रश्न नंबर 1 को ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब प्रश्नावली 7.3 का पहला प्रश्न देखिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष फर्स्ट पार्ट में 2, 3 माइनस 1, 0 2 माइनस 4, उसी तरह से दूसरे पार्ट में भी 3 शीर्ष दे रखे हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट हल करते हैं। माना ए 2, 3, बी माइनस 1, 0 तथा सी 2, -4, त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 1/2 पहले 2, 3 माइनस 1, 0 2, -4, फिर ऊपर वाला रिपीट 2, 3।
तो ये हो जाए 1/2, 2 की 0 के साथ गुणा 0, फिर एक माइनस नीचे से ऊपर गया, फिर -1 × 3, माइनस का 3, फिर प्लस -1 की -4 के साथ गुणा 4, फिर -2 की 0 के साथ गुणा 0, फिर 2 की 3 के साथ गुणा 6, और 2 की -4 के साथ गुणा, पहले नीचे से ऊपर गए उसका माइनस लगाएंगे, फिर 2 चौके 8, माइनस का 8 आता है, -8 कर देंगे, 1/2, और ये 0 है ही, माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस का 3, प्लस 4, ये 0 छोड़ देते हैं क्योंकि 0 घटाने का कोई फायदा नहीं है, प्लस 6, प्लस 8, 1/2, 3 और 6 7, 7 और 6 13, 13 प्लस 8 21। अब देखिए, जो मैंने मॉडुलस का जो निशान लगाया है, इसका मतलब कि चाहे अंदर संख्या माइनस की आए चाहे प्लस की आए, जो इस मॉडुलस से बाहर निकलेगी तो वो प्लस में ही रहेगी। तो 21/2 इकाई जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा कि यदि आपने सूत्र का इस्तेमाल करना है, जो मेन इसमें एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरा तरीका करवा रहा हूँ इसका, का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y प्लस x2 y x3 y। फिर मैंने आपको संख्या बताई थी 23 31 12, 23 31 12। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे कि पहले एक पेंसिल लेकर के यहाँ पर x1 y1, x2 y2, x3 y3 लिख लें, नहीं, और फिर इनकी वैल्यू जो है वो इस फॉर्मूले में पुट कर दें। 1/2 x1, x1 है 2, y2 है 0, माइनस y3 -4, प्लस x2 है -1, इंटू y3 है -4, -y1 प्लस x3 हो गया 2, इंटू y1 हो गया 3, माइनस y2 हो गया 0। इसे सॉल्व कीजिए। एक बटे दो, ये माइनस गुणा माइनस प्लस, 4 दुनी 8, और ये -4 और -3, -7, -7 की 1 के साथ गुणा, प्लस का 7, 3 दुनी 6, 8 और 7 15, प्लस 6 21, 1/2 × 21, वो 21/2 इकाई से आएगा। तो आपको जो तरीका पसंद हो उससे आप ये सम सोल्व कर सकते हैं, चाहे तो फार्मूले में डायरेक्ट पुट कर लें। फार्मूले में अगर आप डायरेक्ट पुट करते हैं तो यहाँ पर पेंसिल से पहले x1 y1, x2 y2, x3 y3 इनके साथ साथ लिख लें, ताकि पुट करने में दिक्कत ना हो। कई बार ऐसा होता है कि पुट करते हैं तो y2 की जगह x2 की वैल्यू रखी जाती है, और सम पूरा होने के बाद रबड़ से इसको रब करते हैं। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। यहाँ पर जो 3 शीर्ष दे रखे हैं उनको ए बी सी मान लेते हैं। ए -5 -1, बी 3 -5, सी 5 और 2। तो ये मान लेते हैं कि माना ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल,
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है, पहले मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, बराबर 1/2 एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, और फिर ऊपर वाला वापस रिपीट। ये हो जाए 1/2, 5 -5 × -5, यानी -5 × -5, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे वो वाला माइनस, और 3 × -1, फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो ये प्लस, 3 × 2 -5 × -5, फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो प्लस, 5 × -1, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस, फिर -5 × 2। फिर यहाँ से देखिए 1/2 -5 × -5 प्लस का 25, और ये माइनस और ये माइनस, प्लस 3 × 3 प्लस 3 × 2 = 6, -× - प्लस, 5 × 5 = 25, 5 × -1 माइनस का 5, और -× - प्लस 5 × 10। तो ये हो जाए 1/2, और 25 + 25 50, 50 + 10 60, 60 + 6 66, 66 + 3 69, 69 - 5 64। तो 1/2 प्लस का 64 है, मॉडुलस से बाहर आएगा तो भी प्लस का ही रहेगा, 2 × 2 32 × 64, तो ये आ जाएगा 32 इकाई। अब इसमें दूसरे सूत्र के द्वारा अगर हमने करना हो तो पहले सूत्र लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 एक्स वन वाई माइनस वाई प्लस एक्स टू इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स थ्री इंटू वाई माइनस वाई। और मैंने आपको संख्या बताई थी 23, 31, 12, 23, 31, 12। तो यहाँ पर अगर इसमें भी कहीं कन्फ्यूज़न हो जाए तो देखिए, जब ये एक्स वन आ गया तो यहाँ पर वाई वाले वन में नहीं आएंगे, ये 2 और 3 बचता है। इसी तरह से यहाँ पर अगर ये 2 आ गया तो 2 वाला वाई में नहीं आएगा, इसी तरह से 3 आ गया तो 3 वाला इसमें नहीं आएगा। अब देखिए, कन्फ्यूज़न से बचने के लिए यहाँ पर मैं एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री लिख लेता हूँ, और ये वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये होगा 1/2 एक्स वन -5 इंटू वाई टू, वाई टू भी -5 माइनस वाई थ्री, वाई थ्री है 2, प्लस एक्स टू, एक्स टू है 3 इंटू वाई थ्री, वाई थ्री हो गया 2 माइनस वाई वन, वाई वन है -1 प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री है 5, वाई वन, वाई वन है -1, वाई टू, वाई टू -5। अब देखिए 1/2, अब ये -5, ये -5 और -2 -7 प्लस 3 × 2 +1 3 प्लस 5 × -1 +5 प्लस का 4, 1/2 5 × 7 = 35 प्लस 9 +20, और 1/2 20 30 50 55 और 9 64, 1/2 × 64, 2 × 2 32 × 64, तो ये 32 इकाई हो गया।
तो इस तरह से जो है आप फार्मूला कोई भी यूज़ करो, आंसर सेम आएगा। वास्तव में दोनों फार्मूला सेम ही है, मैंने आपको बताया था, बस उनका रूप अलग अलग है। अब आगे वाले क्वेश्चन में मैं सिर्फ ऊपर वाला सूत्र यूज़ करूँगा। अगर आपको नीचे वाला आसान लगता है तो मैंने आपको यह तरीका बता दिया है और आप इसे यूज़ कर लें। अब प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। यहाँ देखिए दो पार्ट हैं, प्रत्येक पार्ट में तीन तीन पॉइंट दिए हुए हैं। कहता है कि तीनों पॉइंट जो संरेखीय है, संरेखीय का मतलब कि एक ही रेखा पर है, तो अगर ये संरेखीय है तो के का मान ज्ञात करना है। देखिए तीन संरेखीय यानी एक ही रेखा पर स्थित तीन बिंदुओं से अगर कोई त्रिभुज बनती है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है। तो माना ए 7-2, बी 5-1 तथा सी 3 और के दिए गए बिंदु है। अब क्योंकि ए बी व सी तीनों बिंदु संरेखी है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0 है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0, ये हो जाए 1/2, 7-2, 5-1, 3k और फिर ये वाला रिपीट 7-2, ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। इसका मतलब 1/2, 7×1 माइनस 5×-2 प्लस 5×k माइनस 3×1 प्लस 3×-2 माइनस 7×k 1/2, ये बराबर 0 हो जाएगा। 1/2, 7×7 माइनस गुणा माइनस प्लस, 5×10 प्लस 5k माइनस 3 माइनस 6 और माइनस 7k बराबर 0। तो देखिए 1/2, 7+10 17, 17 -3 14, 14 - 6 8, ये तो हो गया 8 और 5k - 7k तो ये हो जाएगा -2k बराबर 0। तो 2 इधर 0 की साइड जा करके गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब 8 - 2k बराबर 0, यहाँ से k बराबर ये 2 इस साइड जा करके 0 के साथ गुणा करके 0 आ जाएगा, तो 8 - 2k बराबर 0। तो यहाँ से 2k बराबर 8 और k बराबर हो जाएगा 8/2 अर्थात 4, तो k बराबर 4 जो है वो आंसर आ जाता है। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट में देखिए, ए 8-1, बी के माइनस 4 और सी 2-5 दिए गए बिंदु है। अब ए बी सी संरेखी है, इसलिए त्रिभुज
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 0। और 1/2 ये हो जाएगा 8 1, के -4, 2 -5, 8 1, ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। 1/2 8 की -4 के साथ गुणा माइनस के की 1 के साथ गुणा प्लस के की -5 के साथ गुणा -2 की -4 के साथ गुणा प्लस 2 की 1 के साथ गुणा -8 की -5 के साथ गुणा, ये 0 के बराबर होगा। 1/2 8 की -4 के साथ गुणा -32, माइनस के -5 के प्लस 8 प्लस 2 -40 बराबर 0। तो यहाँ से दो इस साइड जा कर के गुणा करें तो ये भी 0 हो जाएगा। ये -8 और -5 की गुणा प्लस का 40 आएगा। अब देखिए कि 1/2 -32 और +40, 8, 8 प्लस 8 16, 16 और 2 18, तो प्लस के 18 हो गए और माइनस 1 के और 5 के माइनस के 6 के हो गए बराबर 0। अभी 2 की दर गुणा कर दो, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 18 माइनस 6 के बराबर 0 और 6 के बराबर 18, इसका मतलब के बराबर 3 आंसर आ जाएगा। आगे प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर 3। शीर्षों 0 माइनस 1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले देखिए, हमें एक त्रिभुज दी हुई है, इस त्रिभुज के जो शीर्ष हमें दिए हुए हैं वह है 0 माइनस 1 2 1 और 0 3। अब कहता है कि इनके मध्य बिंदुओं, जैसे इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसे सी मान लेता हूँ। मान लेते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु ये है और इसे मैं डी का नाम दे देता हूँ। बी सी का मध्य बिंदु मान लीजिए ये वाला बिंदु है, जिसे मैं ई का नाम दे देता हूँ। और ए सी का मध्य बिंदु यहाँ पर है, जिसे हम एफ का नाम दे देते हैं। इन मध्य बिंदुओं को मिलाने से क्या है कि एक त्रिभुज और भी बन जाएगा। ये देखिए, मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक त्रिभुज डी ई एफ बन गया है। अब क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि इसका इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी डी ई एफ के क्षेत्रफल का और ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। पहले तो हमें पहले हम डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हमारे पास डी ई और एफ के निर्देशांक होने आवश्यक हैं, जो कि बहुत ही आसान है। डी क्या है? ए बी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे तो डी के निर्देशांक आ जाएंगे। इसी तरह से बी और सी के ऊपर मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे तो ई का निर्देशांक आ जाएगा। इसी तरह से हम एफ का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम कहेंगे, माना ए 0 माइनस 1, बी 2 माइनस 2 1 सॉरी, तथा सी 0 3 त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक हैं।
डी ई व एफ क्रमशः ए बी बी सी व सी ए के मध्य बिंदु है। इसलिए डी के निर्देशांक बराबर 0 प्लस 2 बाई 2 और -1 प्लस में 1 बाई 2 मध्य बिंदु सूत्र द्वारा। 0 प्लस 2 2 2 बटे 2 क्या होगा 1, -1 प्लस 1 0 0 बटे 2 0 होगा। यहाँ पर लिख दीजिए मध्य बिंदु सूत्र द्वारा कि मध्य बिंदु क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। अब देखिए E के निर्देशांक हो जाएंगे 2 प्लस 0 बाई 2 और 1 प्लस 3 बटे 2। 2 बटे 2 हो गया 1, 1 प्लस 3 4, 4 बटे 2 हो गया 2। इसी तरह से बिंदु F के निर्देशांक जो है वो 0 प्लस 0 बाई 2 -1 प्लस 3 बटे 2। 0 प्लस 0 0 बटे 2 क्या होता है 0 ही होगा, -1 प्लस 3 प्लस का 2 2 बटे 2 1। तो देखिए अब D का निर्देशांक हमारे पास आ गया 0 1 और E के निर्देशांक हमारे पास आ गए 1 2 और F के निर्देशांक आ गए 0 1। अब त्रिभुज, तो पहले हम त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जो होगा 1 बटे 2। पहले हम बिंदु लेंगे 1 0, फिर लेंगे 1 2, फिर 0 1 और फिर वापस 1 0, जो ये होगा 1 बटे 2, 1 दुनी 2 -0 प्लस 1 एकम 1 -0 दुनी 0 प्लस 0 -1, ये होगा 1 बटे 2, 2 -0 2 प्लस 1 -1, तो 1 -1 0 हो गया, 1 बटे 2 गुणा 2 1, तो 1 इकाई आ गया। इसी तरह से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1 बटे 2 0 -1 2 1 0 3 और फिर आप ऊपर वही रिपीट करेंगे 0 -1, तो ये होगा 1 बटे 2 0 गुणा 1 0, 2 गुणा -1 -2 1, नीचे से ऊपर जाएंगे तो चलो ये ऐसा कर देता हूँ मैं कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये वाला माइनस लगेगा, 2 गुणा -1 -2 हो गया, प्लस 2 3 6 0 गुणा 1 0 प्लस 0 गुणा -1 0 0 गुणा 3 0, तो ये हो जाएगा 1 बटे 2 2 प्लस 6 प्लस 0, 1 बटे 2 6 प्लस 2 8, तो ये हो जाएगा 4 इकाई। अब क्योंकि हमें डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना, तो इसलिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ डी ई एफ अनुपात एरिया ऑफ ए बी सी। एरिया मतलब क्षेत्रफल, डी ई एफ का एरिया हमने निकाला 1,
और ए बी सी का निकाला 4, तो 1:4 जो है वो क्या आ जाएगा आंसर।